Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmed Abdal Shah. Thank you for tuning in and today proudly presenting you a budget 7-seater car, Honda Freed. काफ़ी दिनों से बस कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप किसी 7-सीटर बजट कार का रिव्यू करें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमें चॉइसेस कम मिलती हैं 7 सीट्स के अंदर से, फॉर्च्यूनर मिलती है, रश मिलती है, BRV मिलती है, कम चॉइसेस हैं हमारे पास। तो फिर हमने काफ़ी उस पर वर्क करा तो हमने होंडा फ्रीड निकाली और होंडा फ्रीड के अंदर भी आपको 2 वेरियंट्स मिलते हैं जिसमें 5 सीटर भी आता है और 7 सीटर भी आता है। 1500 cc कार है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ये 2013 मॉडल की है और फुली लोडेड है, सो लेट्स चेक इट आउट। सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्राम फ्रंट और अगर हम फ्रंट पे लाइट पे देखेंगे तो हमें सिंगल रिफ्लेक्टर लैंप मिलता है, पार्किंग बल्ब्स और इंडिकेटर्स, नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स की जगह मिल जाती है, ऊपर एक क्रोम ग्रिल यूज़ की गई है जो कि अच्छी लग रही है। और अगर मैं साइड्स पे आ जाऊँगा तो इसकी बेसिकली जो फ्रंट से शेप है वो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि होंडा सिटी से सिमिलर है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड का एक बैच मिल जाता है, साइड मिरर्स के अंदर भी इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया गया है, कीलेस एंट्री। अगर हम बॉडी की शेप की बात करेंगे तो गाड़ी जो है वो कंप्लीट केबिन लुक देती है और पीछे से थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि जो इसकी शेप है वो थोड़ी ऑड है, लेकिन 7-सीटर कार के अंदर आपको ज़्यादातर शेप्स ऑड ही मिलती हैं। अब यहाँ पे ऊपर आपको एक रूफ स्पॉइलर दिया गया है, ऊपर की जानब एंटीना है, रेयर वाइपर है, नीचे आपको यहाँ पर कैमरा भी दिया गया है। और अब हम ट्रंक चेक कर लेते हैं। ट्रंक इसकी मैंने अभी एक सीट फोल्ड करी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सीट मैंने इसको खोल के रखा हुआ है तो हमारे पास जगह, अगर हम 7 सीट्स खोल लेते हैं तो जगह तो हमारे पास थोड़ी कम बचती है, लेकिन यहाँ पर आप अपने तकरीबन अंदाजन मेरे 3 हैंड कैरी आराम से एडजस्ट कर सकेंगे। और इसी तरीके से जैसे फॉर्च्यूनर की सीट्स ऊपर ये लॉक हो जाती हैं, इसकी भी आपको लॉक करनी पड़ती हैं मैनुअली। दोनों सीट्स में आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा, पॉकेट्स भी मिलते हैं दोनों सीट्स के अंदर आपको। यहाँ इसका टूलबॉक्स का ऑप्शन है और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक मिरर भी मिलता है। जो इसकी बैक विंडोज़ हैं 1 2 3 4 5 विंडोज़ जो हैं इसकी बैक की वो इसकी टिंटेड है। इसके दोनों बैक डोर्स जो हैं वो ऑटो हैं और अगर हम मिडल सीट्स की बात करेंगे, अगर आप इनको पूरा आगे कर लेते हैं तो थोड़ा लेग रूम का इशू है इसके अंदर, लेकिन अगर आप पीछे कर लेते हैं तो लेग रूम का कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फिर पीछे वाला बंदा जो है वो थोड़ा सा तंग हो सकता है लॉन्ग जर्नी पर, लेकिन शॉर्ट जर्नीज पर इसमें कोई इशू नहीं होएगा। काफ़ी नॉमिनल लेग रूम और हेड रूम दिया गया है गाड़ी में, हेड रूम तो काफ़ी ही है। बीच में बैठने वाले पर्सन के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ सीट बेल्ट का भी ऑप्शन है और जो कैबिन है वो काफ़ी स्पेशियस है अंदर से। सेंटर वाले बंदों के लिए, सॉरी मिडल वाले सीट्स के लिए बीच में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन अगर बीच में बंदा कोई बैठा हुआ होगा तो आप आर्मरेस्ट यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो लेट्स चेक आउट द फ्रंट ऑफ इंटीरियर। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं या पूरी गाड़ी पर जो मटेरियल सीट्स पे आगे पीछे यूज़ किया गया है वो कंप्लीट फैब्रिक है। इसके अंदर एक पैकेज आता है जिसके अंदर आपको लेदर सीटिंग भी मिलती है और ट्रिमिंग मिलती है, सो चेक इट आउट। और हमारे पास यहाँ पर जो फैब्रिक का मटेरियल दिया गया है, आगे की तरफ आप देखेंगे तो कम्प्लीट प्लास्टिक का
इसके अंदर मटेरियल है, ये लाइनेंस दी गई हैं, ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही हैं, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ आपको स्पीकर दिया गया है और साइड पे आपको पॉकेट दी गई है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको साइड जो ड्राइवर साइड है वो ऑटो मिलती है, बाकी आपको फोर साइडेड पावर विंडो मिलती है, लॉक अनलॉक बटन है, विंडोज़ पावर विंडोज़ लॉक बटन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे अगर एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ब्राइट करूँ, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, ये आपके साइड मिरर एडजस्टमेंट्स हैं, और ये जो है, ये जो बटन्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जो साइड जो पीछे वाले डोर्स हैं इसके, उसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए हैं। मैं आपको एक इसका डेमो भी देके दिखाता हूँ, आप बस यहाँ से इसको एक बार प्रेस करेंगे और वहाँ से आप देखेंगे इसका जो डोर है वो खुल गया है, और अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँ तो फिर वहाँ से वो ऑफ हो जाएगा। ये नई चीज़ नहीं है, पहले भी काफ़ी जैपनीज कार्स के अंदर आ चुकी है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है। सीटिंग और अगर मैं फ्रंट के लेग रूम और हेडरूम की बात करूँगा तो हमारे पास फ्रंट पे लेग रूम भी काफ़ी है और हेडरूम भी काफ़ी है। हेडरूम तो क्या तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत है। और फ्रंट पे आपको सीटिंग जो ड्राइवर सीट है उस पर सीट एडजस्टमेंट भी मिलती है अप एंड डाउन करने की। और अब हम अंदर चल लेते हैं। स्टेयरिंग इसका बिल्कुल होंडा सिग्नेचर स्टाइल है, जैसे पुराना होंडा का होता है, वैसे ही जैसे रिबॉन वगैरह में मिलता है आपको, उसी टाइप का ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन उसी टाइप का है। सो लेट्स स्टार्ट द कार। कार हम स्टार्ट कर चुके हैं और मीटर जो है आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है होंडा रिबॉन से, तो अच्छा मीटर है। यहाँ पे जो आप स्विचेस देख रहे हैं ये बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस हैं। ये जो स्विचेस आप देख रहे हैं ये इस अपना जो आपका स्पीडोमीटर है उसको कंट्रोल करने के लिए हैं। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर दिया गया है। बैक पे जो आप स्विचेस देख रहे हैं ये इकॉन मोड और जो ऑडोमीटर की सेटिंग है वो है। वहाँ पर भी आपको पैसेंजर साइड पर एक कप होल्डर दिया गया है। यहाँ पर नीचे आपको एक ग्लोव बॉक्स दिया गया है। सेंटर में भी आपको एक कप होल्डर दिया गया है और यहाँ पर नीचे आपको एक पॉकेट दी गई है और यहाँ पर एक लाइटर सॉकेट दिया गया है। और जो अगर हम गियर लीवर की बात करेंगे तो गियर लीवर के बैक पे आपको कुछ पॉकेट्स मिलती हैं जहाँ पे आप अपना मोबाइल या कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। ये सिंपल एक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर हमें पैसेंजर साइड पर मिलता है और ड्राइवर साइड पर भी मिलता है। और यहाँ पर जो ऊपर लाइट्स हैं ये पुश एंड प्ले वाली हैं, इसको आप पुश एंड प्ले करके अपना यूज़ कर सकते हैं। और जो मिरर है वो आपको ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअल डिमिंग मिरर है। और जो फ्रंट पे जो सीट्स हैं उसमें जो एक इशू लगा वो ये लगा कि क्या नाम है, जो इसकी आर्म रेस्ट हैं वो पतले पतले हैं और सेपरेट दिए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा हाथ स्लिप हो रहा है उस पर से। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है और अच्छी है। एलसीडी आपको बीच में दी गई है और ऊपर की जाने पर आपको हैजर्ड्स का ऑप्शन दिया गया है। और स्ट्रेट, काफ़ी स्ट्रेट सा इसका डैशबोर्ड है जो कि अच्छा है लॉन्ग जर्नीज़ के हवाले से, अगर आप कोई सामान वामान रखना चाहते हैं। मेरे लिए तो ख़ासतौर पर बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे कैमरा रखना होता है। सो ये था एक छोटा सा होंडा फ्रीड के ऊपर रिव्यू। आई होप यू गाइस लाइक इट। अच्छी कार है, बजट कार है, सेवन सीटर है सबसे बड़ी बात है। और अंदर जो इंटीरियर है वो काफ़ी सिंपल सा है लेकिन अच्छा लगता है, और अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो वो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सेकेंडली एवरेज अच्छा है गाड़ी का, और हाइब्रिड है गाड़ी, सेवन सीटर है, काफ़ी सारे इसके अंदर मतलब फ़ीचर्स हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं अच्छा ही के अंदर। और बस जाते जाते यही के नाम है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।